7.2 मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन। 7.2.1 पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं, डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू इट। भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर को हमेशा ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने में होता है, साथ ही शरीर की वृद्धि, मरम्मत करने और तापमान बनाए रखने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और परीक्षण भी किया है। परिशिष्ट में इन परीक्षणों को करने की विधि दोहराई गई है। इनके अलावा भी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, जैसे पानी, लवण, विटामिन आदि। आम तौर पर पाचन की प्रक्रिया द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार से विशेषीकृत कोशिकाओं की जरूरतों की आपूर्ति हो पाती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ग्लूकोज नामक शर्करा, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है। यदि रक्त में इसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। मस्तिष्क से आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना प्रसारित होती है। इससे हमें भूख का एहसास होता है। क्या आपको और भी किसी स्थिति में भूख लगती है? सोचिए, जब आपको मनपसंद खाने की खुशबू आ रही होती है तो क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है, जिसे आहार नली कहते हैं। आहार नली की दीवार में अनेक वलित परतें पाई जाती हैं। इसमें तथा इसके बाहर कई प्रकार के पाचक अंग व ग्रंथियां हैं। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियों एवं आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इससे भोजन के अवयवों के जटिल बड़े अणु छोटे सरल अणुओं में बदलते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के चित्र में कौन कौन से भागों को दर्शाया गया है?